अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए अरेबिक कुनाफा की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये ओवन के बगैर, जिनके घर में ओवन नहीं है, ये ओवन के बगैर मैं आपको बनाना बताऊँगी। और वैसे तो ये ओवन में बनता है, लेकिन ओवन के बगैर भी, और इसके लिए सेवैयाँ भी दूसरी होती हैं, लेकिन ये मैंने दूसरी, जो आम पाकिस्तान में या कहीं से भी ये मिल जाती हैं, ये पैकेट वाली सेवैयाँ नहीं है, ये वाली, ये देखिए। तो ये मैंने दो पैकेट लिए हैं। और इसको अब ना थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। इसको ऐसे ना थोड़ा सा छोटे छोटे पीस कर लेंगे इसके, यानी कि इनको ना बारीक कर लेंगे थोड़ी सी हाथों से ऐसे। देखिए ये देखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी और बहुत बड़ी भी नहीं रखनी, बस ठीक मीडियम साइज़ की ना। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखें जी, ये तकरीबन ये दो पैकेट मैंने लिए थे। अब ये देखें, ऐसे मैंने निकाल लिए, ये देखें। इससे ज़्यादा नहीं करनी और इससे मोटी भी नहीं रखनी, यानी कि लंबी लंबी भी नहीं रखनी। और ये आधी प्याली, यानी कि आधा कप ये बटर है, मैंने इसको गर्म किया है, ये मैं डालूँगी। और इसमें जाएगा थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर, तकरीबन 1 पिंच के बराबर, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे कलर अच्छा आएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि बटर सारा इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए, और ये बड़ी इजी रेसिपी है और बड़ी मज़े की लगती है। आप बच्चों को बना के दें, या गेस्ट आए तो आप, या आप शाम की चाय पे, या ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में भी आप इसको ले सकते हैं, बना के खा सकते हैं। ये देखिए, ये सारा मैंने बटर लगा दिया। बटर का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है इसका। ये देखें, चलें इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अब आ जाते हैं, जो इसका मैंने एक क्रीम तैयार करनी है इसकी। ये दूध है, 1.5 कप दूध है ये, इसमें मैं डालूँगी। चूल्हे पे अभी नहीं पकाना मैंने, पहले मिक्स कर लेते हैं फिर बनाएँगे, फिर इसको गरम करेंगे। ये देखें, 3 टेबलस्पून बार के कॉर्नफ्लावर है, और ये 3 टेबलस्पून चीनी है। ये देखिए, अब इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। कर लिया, ये देखें, अब एक मैंने पैन लिया, उसमें ये सारा दूध डाल दें। ये देखिए, चलें जी अब इसको कुक करते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, अब इसको कुक करते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हल्की लो फ्लेम पे इसको ना, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है और उसने थिक हो जाना है, तो इसलिए आप चम्मच चलाते रहें ताकि गुठलियाँ ना बने, और गुठलियाँ हमें बिल्कुल इसमें नहीं चाहिए। ये देखिए, ये देखिए जी, ये देखिए, अब ठीक होना शुरू हो गया ना। अब इसमें हम डालेंगे मीठा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शीरा भी अभी हम बनाएंगे। ये देखिए, अब मैं चूल्हा थोड़ा सा कम करती हूँ, थोड़ा सा और। ये देखिए, अब इसमें डालूँगी, ये चेडर चीज़ ली है, ये देखिए, ये डालूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून, और ये पूरी टेट्रा पैक की पूरी क्रीम इसमें जाएगी, एक पैकेट। ये देखिए, आप चाहें तो क्रीम चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन ये इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए, अब इसको कुक करते हैं अच्छी तरह ताकि ये सारी क्रीम और जो चीज़ है वो इसमें मेल्ट हो जाए। ये देखिए, ये देखें जी, ये देखें, अब इतनी थिक हो गई है, बस अब इसको साइड पे करते हैं हम। इसको बाद में आपको बताती हूँ क्या करना है। ये मैंने एक छोटा सॉस बन लिया, ये देखिए, इसमें मैं डालूँगी 1 कप पानी, 1 कप से कम है पानी। ये देखिए, और ये शीरा तैयार करेंगे हम इसमें, जो इसके ऊपर जाएगा, और साथ ही ये
जितना हमने पानी लिया, क्वार्टर कप तकरीबन एक कप से कम था, इसने चीनी है क्वार्टर कप, ये देखें। अब इसको इस मिक्स होने का वेट करते हैं इसका चीनी, ये देखिए अब मिक्स हो रहा है, ये देखिए। अब इसमें 2-3 ड्रॉप में रोज़ वाटर के, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और साथ ही लेमन जूस तकरीबन लगा लें 1/2 टीस्पून से कम, ये देखें। अब इसको ज़रा चीनी मिक्स होती है तो बस इतना ही कुक करना है। ये देखें जी, अब ये देखें शीरा तैयार हो गया हमारा। इसको भी ज़रा इसके 3-4 स्टेप हैं बस। अब ये एक और पैन लिया है मैंने, ये देखें, इसको बिल्कुल लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने सारा बटर लगा देना है इसके ऊपर, ये देखें चारों तरफ से बटर लगा देना है, ये देखें चारों तरफ से बटर लगा के। अब हमने पहले एक मिनट में रखती हूँ ज़रा, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। आधी सेवइयाँ मैं नीचे डालूंगी, ये देखें, और इनको सेट करेंगे, ये देखें। कोई भी आप ऐसा कप ले लें, कोई चीज़ ले लें, इसके साथ इसको ऐसे सारा सेट करना पड़ता है। फिर मैं चूल्हे के ऊपर रखती हूँ इसको, साथ चम्मच साथ ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे ये, ताकि ये ज़्यादा फैले ना। 2 लेयर होंगी इसकी, अच्छी तरह से हम सारा सेट कर लेते हैं। चलें जी, और डालती हूँ मैं इस तरफ भी, चलें जी। अब इसके ऊपर क्रीम जो है हमारी, जो क्रीम तैयार की है, ये हमने किनारों से छोड़ के दरमियान में रखनी है, ताकि पैन के अंदर ना गिरे, इसके अंदर ही रहे बस, यहाँ पे इस तरफ, ये देखिए ऐसे करके इसको सेट कर लेना हमने, जितना आपका दिल करता लगाएं। इस क्रीम से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सारा कनाफा ही, जो ये रेसिपी है ये क्रीम से ही बनने की लगती है, ये देखिए हो गया। अब इसके ऊपर दोबारा से हम सेटिंग कर देती हूँ मैं इसकी, ये देखिए, ताकि ये नीचे ना आए। अब दोबारा से कनाफा मैं हाथ के साथ ही करूँगी इसको, ये देखिए ऐसे हाथ के साथ करूँगी, ज़रा अच्छी तरह से हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा चले हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये देखें जी, सारा ऐसे डाल देते हैं, चारों तरफ से। चलें जी, अब मैं चम्मच के साथ इसको बराबर करती हूँ, और इसको ये देखेंगे चूल्हा कितना मैंने ऑन किया है, थोड़ा सा बिल्कुल लो फ्लेम पे। चलें जी, इसको ऐसे 2 से 3 मिनट ऐसे कुक होने देंगे, फिर इसके नीचे रखेंगे तवा। चलें जी, कुक होने देती हैं ये, साथ साथ आपने सेट करते जाना है ऐसे। ये देखिए अब मैंने नीचे तवा रख लिया, 2 मिनट के बाद इसको उतार के, तो नीचे तवा रख लिया और लो फ्लेम पे, इतनी ज़्यादा लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने ना इसको पकाना है, 10 मिनट के लिए एक तरफ और 10 मिनट के लिए दूसरी तरफ। चलें जी, 10 मिनट वेट करें, इसको पकाते हैं हम। ये देखें जी, 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने एक प्लेट ली है, इसके ऊपर इसको उल्टाऊँगी मैं आराम से, ये देखें। अब दोबारा से इसके ऊपर मैं, ये देखें, थोड़ा सा मक्खन लगा दूँगी इसी के ऊपर, ये देखें सारा ऐसे, और मक्खन लगा दूँगी।
मैंने साइड चेंज कर दी है, ये देखें हल्का सा ब्राउन कलर आ गया। अब इधर से भी 10 मिनट के लिए कुक करते हैं, तो फिर 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें जी इधर से भी हो गया, 10 मिनट हो गए हैं, तो अब ये देखें हम निकालने लगे हैं इसको। माशाल्लाह से हमारा अकना फतेहार है, ये देखिए बड़ा प्यारा सा माशाल्लाह गोल्डन कलर आया है। अब इसके ऊपर जो शीरा हमने बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया था, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। आप इस सेपरेट साथ भी शीरा रख सकते हैं, ताकि जितना किसी ने डालना हो डाल ले ऊपर, ये देखिए। और ये पिस्ता मैंने क्रश करके रखा हुआ था, ये ऊपर डालेंगे। तो चलें जी तैयार है हमारा कनाफा, मज़ेदार सा चाय के साथ आप लें तो बनाएं, आप खाएं और बड़ा मज़ा आएगा आपको। और इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और आप भी सब्सक्राइब कर लें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।